आवारा पशु किसी कस्बे, जिले या राज्य की नहीं बल्कि पूरे देश की समस्या बनते जा रहे हैं। सड़कों पर लावारिस घूमते ये पशु हजारों दुर्घटनाओं का कारण भी बन चुके हैं, सैकड़ों की जान भी चली गई है। इतना ही नहीं, ये आवारा पशु कई बार बच्चों और बुजुर्गों पर हमला कर उन्हें घायल भी कर चुके हैं। लेकिन अब यूपी सरकार ने इन लावारिस पशुओं से होने वाली सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए एक बड़ा फैसला लिया है। दरअसल सरकार ने उन किसानों के खिलाफ FIR दर्ज करने को कहा है जो दूध देना बंद करने पर गायों को बेसहारा छोड़ देते हैं। यूपी सरकार ने सोमवार को कहा कि ऐसे किसानों के खिलाफ पशु क्रूरता रोकथाम अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज किया जाएगा। गौरतलब है कि सदन में सरकार से आवारा पशुओं की समस्या को लेकर सपा MLA अवधेश प्रसाद ने योजना और इनकी वजह से मारे गए लोगों को मुआवजे से संबंधित सवाल पूछा था, जिसके जवाब में उत्तर प्रदेश के पशुपालन मंत्री धर्मपाल सिंह ने बताया, कसाई और किसान के बीच अंतर है। हम किसानों का ध्यान रखेंगे लेकिन कसाईयों का नहीं। जिन किसानों ने अपने पशुओं को लावारिस छोड़ा उनके खिलाफ पशु क्रूरता रोकथाम अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज किया जाएगा। ये आवारा मवेशी नहीं है बल्कि उन्हें छोड़ा गया है। हर कोई जानता है कि उन्हें किसने छोड़ा है। जब एक गाय दूध देती है तो उसे रखा जाता है और जब दूध देना बंद कर देती है तो उसे छोड़ दिया जाता है। इसके अलावा मंत्री ने कहा कि 15 मई तक 6183 गौ आश्रय केंद्र प्रदेश के शहरी और ग्रामीण इलाकों में बनाए गए हैं। इनमें 8 लाख से ज्यादा पशुओं को रखा गया है। बता दें कि प्रदेश में आवारा पशुओं की वजह से किसानों की फसलों को भी काफी नुकसान होता है। विधानसभा चुनाव के दौरान इस समस्या को विपक्ष में बड़ा मुद्दा बनाया गया था। BJP को चुनाव में नुकसान की आशंकाओं के बीच खुद PM नरेंद्र मोदी ने कई रैलियों में ऐलान किया कि राज्य में दोबारा BJP की सरकार बनने पर इस समस्या का समाधान किया जाएगा। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।